क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 2 टॉपिक वाटर। वाटर इज़ अ रीन्यूएबल नेचुरल सोर्स। ये कुदरती रिसोर्स है जो कि रीन्यू होता है, मतलब हमें आसानी से मिलता रहता है। तो अर्थ के ऊपर 3/4 पार्ट जो है दैट इज़ कवर्ड विद वाटर। तो अप्रोप्रिएट मात्रा में पानी होने के कारण हमारी जो अर्थ है दैट इज़ कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। तो ये माना जाता है कि प्रिमिटिव ओशंस जो हैं, मतलब बड़े साल पहले से लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स बैक जो जो लाइफ है वो शुरू हुई ओशंस में ही एग्जिस्ट करना शुरू हुआ लाइफ। तो इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। और इवन इन दिनों में भी बहुत सारे जो प्लांट एंड एनिमल लाइफ हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं ओशंस में। तो ओशन वाटर इज़ हावर सेलाइन, ये पानी खारा है एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। हम इसे यूज़ नहीं कर सकते पीने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये खारा होता है, नमक वाला पानी होता है। तो फ्रेश वाटर जो है दैट इज़ ओनली 2.7%। तो नियरली 7% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स। तो जो 2.7% पानी का जो 70% है तो वो तो बर्फ के रूप में है, ग्लेशियर्स में है, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में जहाँ बहुत ठंड रहती है और माउंटेन रीजन्स में। तो इसके कारण जो इसकी लोकेशन ऐसी जगह पे होने के कारण इनएक्सेसिबल है, मतलब ये हमारी पहुँच से बाहर है। तो ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। तो ये जो 1% पानी है ये हमें कहाँ से मिलता है? फ्रेश वाटर इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, तो एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमोसफियर। तो अब तो वैसे तो रिवर्स में लेक्स में भी बहुत सारा पानी होता है लेकिन वो वेपोरेट हो जाता है तो एटमोसफियर में चला जाता है। तो हमारे पास फ्रेश वाटर बचता है ओनली 1%, दैट इज़ ग्राउंड वाटर। तो अगर बारिश बहुत अच्छी होती है तो ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल इंक्रीज होता है। फ्रेश वाटर जो है दैट इज़ मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है। ना तो हम पानी को इसको कम कर सकते हैं धरती के ऊपर, ना हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये जितना है उतना ही रहेगा। तो इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन साइकिलिंग थ्रू द ओशंस द एयर द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो इसका एक जगह पे कितना होना ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से पानी की मोशन हो रही है, किस तरह से उसकी मूवमेंट होती है। जो वो बारिश के रूप में है, जहाँ हमें नदियों के रूप में मिल रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसका जो इवेपोरेशन के थ्रू बाद में वो बूंदे फिर धरती के ऊपर गिर जाती हैं, और रन ऑफ उसका कितना हो रहा है। तो इसको आप सिंपल वे में कह सकते हो कि वाटर साइकिल, कि पानी जो है जैसे बारिश का पानी वो नदियों में जाएगा, लेक्स में जाएगा, नहरों में जाएगा, फिर से ज़्यादा गर्मी अगर होगी तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। तो इस तरह से पानी का जो सर्कल है वो चलता ही रहता है। तो क्या आप जानते हैं कि एक जो ड्रिपिंग टैप होती है कि जो पानी टैप से टपकता रहता है बूंद बूंद, कई बार टैप ख़राब हो जाती है तो उसके कारण जो पानी वेस्ट होता है। तो कम से कम 1,200 लीटर्स, जिसे हम 1,200 लीटर्स कहेंगे, जो पानी है वो एक साल में बर्बाद हो जाता है।